बाराबंकी की अगर बात की जाए तो बाराबंकी में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी नेता जयप्रदा ने रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। रोड शो के बाद संवाददाता सम्मेलन में जयप्रदा ने सपा नेता आजम खान के आड़े हाथों लेते हुए उन पर बड़ा हमला किया। जयप्रदा ने कहा कि आजम खान का ये आखिरी चुनाव साबित होगा, इसके बाद आजम खान कभी चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। दुखी बात है, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत आहत हूँ, क्योंकि कोई महिला को इस तरह की स्थिति परिस्थिति नहीं आना चाहिए। सारे देश में आज महिलाएं बहुत आक्रोश है, मैं सिर्फ महिलाएं नहीं है, सारे देश में जितने जनता है वो सब आक्रोश है। कहाँ पे हम लोग 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? 33% की रिजर्वेशन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जो महिला दिवस मनाते हैं तो महिला दिवस पे हम महिलाओं के उत्थान की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है। जब महिला अगर खड़ी है राजनीति में और वो हर धर्म को सम्मान करने वाली और हर वर्ग को सम्मान करने वाली, और वो महिला को आप जिस तरह का आजम खान ने इस तरह का जो जुबान चलाया वो मैं दोबारा दोहरा भी नहीं सकती।